हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना बाय एडवेन मैथड 11 एंड 12 का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे 11, 12 और अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर जब भी स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना, हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं कि नहीं, तो अगर तो इन दोनों में से एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 के टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन 12 तो आता है ना, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला है कि एक नंबर भी अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ही लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो रहा है ना, 2 के टेबल में 11 नहीं आता, इसको वैसे लिख लेंगे। 2 के टेबल में 12 आता है, 6 आए, अगेन हम यहाँ पे 2 ले सकते हैं, तो यस ले सकते हैं। एंड 2 के टेबल में 6 आता है इसलिए, ठीक है, तो हम अगेन यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 11 फिर से नहीं आता, तो वैसे ही लिख लें। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 आए, अगेन यहाँ पे 2 ले सकते हैं, तो नहीं अब नहीं ले सकते क्योंकि 2 के टेबल में 11 तो पहले ही नहीं आ रहा था, अब 3 भी नहीं आ रहा। हम यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, तो यस 3 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, 11 फिर से वैसे ही आ जाएगा। 3 के टेबल में 3 आता है, 1 अगेन 3 ले सकते हैं, नहीं 11 प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में ही आता है, तो हम यहाँ पे 11 ही लेंगे। 11 और 1 का 1। और अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 11 एंड 12 इज इक्वल टू, इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनको वहाँ पर यहाँ पर लिखें और मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं थी इसमें, नहीं इसको इधर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4 आ गया, 4 3 12 आ गया, और 12 11 क्या होता है हमारे पास, 2 3 1 132, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 132। तो हम क्या कहेंगे, एलसीएम क्या है 11 और 12 का, 132। ये था एलसीएम बाय एडवेन मेथड। बात कीजिए एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, मैंने इस पर भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। बात करें 8 और 12 की, तो इसमें भी प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन अलग अलग नंबर्स के, पहले 8 के करेंगे फिर 12 के करेंगे। एलसीएम बाय एडवेन मेथड में हमने क्या किया था, दोनों नंबर्स को इकट्ठे लिखा था, सेंटर में कॉमा लगाया था और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे दोनों के एक साथ, ठीक है। इसमें अलग अलग नंबर्स को फाइंड आउट करने के बाद फैक्टर्स इस तरह लिख दें, उसके बाद जो कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है उसको एक दफ़ा लिखें, फिर 2 कॉमन आ रहा है उसको एक दफ़ा लिख दें, फिर जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखना है, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम बाय एडवेन मेथड है, ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। होप्स आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। एक और बात, अगर आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं 11 और 12 का बाय एडवेन मेथड नहीं बल्कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो भी आंसर यही आएगा। आंसर में डिफरेंस नहीं होता, बस मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। होप्स आपको इन दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।